हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, तो सबको हैप्पी संडे। बट इस लॉकडाउन में तो क्या संडे क्या मंडे, सब एक जैसा है, सारे दिन संडे ही हैं। तो अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं बताऊँ? 10:30। और मैं सोके उठ तो गई थी मैं 7 बजे। फिर थोड़ी देर ऐसे लेटी रही, कुछ काम नहीं था, तो फिर मैं झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धोई, बर्तन धोने के बाद किचन साफ़ करी। और किचन साफ़ करने के बाद देखिए मैं इधर चाय बना रही हूँ गर्म पानी करके। सबसे पहले मैं पी ली, बाबू को भी दी, हस्बैंड को भी। और उसके बाद अब मेरी चाय बन रही है, तो चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद फिर चाय पियेंगे। उसके बाद बताऊँ, बहुत सारा काम है आज। कपड़े इतने सारे तय मारने हैं मेरे को, तो मैं सोच रही हूँ। मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कपड़े तह मार के रख रखी हूँ। रात में वीडियो शूट करी थी तो कपड़े चेंज करी थी, वही कपड़े हैं। और मुझे खांसी हो रही है क्योंकि मौसम ऐसा चेंज हो रहा है ना, तो खांसी जुकाम लगी हुई है सबको, घर में है, बाबू को भी है, मुझे भी है। तो अभी गरम गरम चाय पियेंगे। और मुझे लग रहा है चाय में ना दूध ज़्यादा डल गया है, मुझे ज़्यादा दूध वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, है ना। ती हूँ हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि जो आज का दिन होता है वो हर बच्चे के लिए खास दिन होता है, क्योंकि माँ का जो स्थान होता है हमारे दिल में, मतलब इस धरती पे माँ का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि माँ नहीं तो कोई कुछ भी नहीं, माँ के बिना कुछ भी नहीं है। तो सच में माँ तो माँ होती है। तो आज मुझे भी अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। तो आप लोग सब अपनी मम्मी को पूरी इज्जत दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, क्योंकि जब तक हमारे पास माँ है, कोई भी चीज़ रहती है, तो हम उसकी कदर बहुत कम करते हैं, नहीं करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, ये नहीं कह रही, मतलब होती है ना उतनी ऊँची की कदर नहीं होती है। बट जब वो जो चीज़ नहीं होती है, आप नहीं होती है आपके पास, उस चीज़ की कीमत उसके बाद पता चलती है। तो जो कि मुझे आज पता चल रही है अपनी माँ की कीमत, कि क्या होती है माँ की कीमत। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर हम लंच बना रहे हैं। तो लंच में मैं कद्दू की सब्जी और टमाटर की चटनी बना रही हूँ और रोटी। तो मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं सारे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं नया चैनल ओपन की हूँ, तो मैं आप लोगों से सच में बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो मेरा बिहारी ब्लॉगर है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि मुझे आप लोग का सपोर्ट मिल सके और मैं बहुत आगे जा सकूं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। ये नेक्स्ट डे का है, ये ट्यूसडे का ब्लॉग है। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा वो संडे का थोड़ा सा शूट किया था मैंने, उसके बाद संडे को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाई थी। तो फिर ये मंगलवार को मॉर्निंग का टाइम है, मैं बर्तन धो रही हूँ। और देखिए कि मैं बर्तन कहाँ पर धोती हूँ। बस यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, गेट मेन गेट है ये, तो यहीं पर थोड़ी सी जगह है, तो वहीं पर हम लोग बर्तन धोते हैं। और ये बहुत मुश्किल से हम मतलब किसी तरह हम गुजारा कर रहे हैं। मुझे छत से पानी लाना पड़ता है, फिर यहाँ पर बर्तन धोना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके हम किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। तो बर्तन धोने के बाद फिर हम किचन में आ गए हैं और बना रहे हैं यहाँ पर प्याज का पराठा और चाय। ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने आटे में यहाँ पर अजवाइन और नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, और इसको अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छे से आटे में नमक वगैरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें बारीक बारीक मैं प्याज काट लूँगी, गोल गोल छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज को काट लूँगी। और आप इसमें चाहें तो मंगरेल होता है वो भी डाल सकते हैं। और इसमें कुछ मसाला, सूखा मसाला तो ऐसा कुछ नहीं डालेंगे हम लोग। और इसमें हरी मिर्च का
टुकड़ा है। अगर धनिया पत्ती आप खाना चाहते हैं तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं आप। मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है तो मैं यहाँ पर बस प्याज और एक हरी मिर्च काटूंगी, वो भी बारीक बारीक काटूंगी क्योंकि बाबू भी खाएगा तो बाबू ज़्यादा तीता नहीं खाता है। तो इसके लिए जब मैं बनाऊँगी तो उसको जो मिर्च होता है वो निकाल दूंगी। तो देखिए मैं आटा गूंद रही हूँ, नॉर्मल पानी से आटा गूंदूंगी मैं। और चाय उधर मेरी बन गई थी तो मैंने चाय को बंद मतलब गैस बंद करके चूल्हा बंद करके चाय ढक दिया है। तो अब जब पराठा बन जाएगा फिर से चाय, तो मैं फिर से चाय गर्म कर लूँगी। तो आटा मेरा इधर लग गया है, तो चलिए अब बनाते हैं हम पराठा। तो यहाँ पर मेरा पराठा देखिए बन गया है, गैस वैस साफ़ कर ली और करने जा रही हूँ मैं लंच। तो पराठा और चाय का तो आप लोग भी लंच कर लीजिए मेरे साथ। और मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा है फिर से। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ और उधर नहाने का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा नहाने से पहले थोड़ा सा अपने फेस पे थोड़ा सा वो पैक फेस पैक लगा लेती हूँ। तो मैं बताऊंगी आपको कि फेस पैक में मैंने क्या क्या मिलाया है। तो इसमें बस ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अपने किचन का ही सामान है जो कि सबके घर किसी के किचन में मिल जाता है। एक चुटकी हल्दी और कच्चा दूध और थोड़ा सा गेहूं का आटा जो कि नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वही वाला आटा ली हूँ मैं। और इसमें मिला दी हूँ मैं टमाटर का थोड़ा सा रस, और यही अपने फेस पे लगा रही हूँ क्योंकि साबुन नहीं लगाऊंगी, मेरे फेस पे दाना दाना बहुत हो गया है। तो मैंने सोचा चलो इसको लगाकर देखते हैं, क्या पता कुछ दाना ठीक हो जाए फेस का। तो इसको सूखने के बाद फिर मैं साफ़ करूँगी थोड़ी देर के बाद। तो देखिए अब सूख गया है तो इसको मैं धो लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ धोकर, देखिए अभी नहाई नहीं हूँ मैं, बस फेस धोकर आपको आप लोग को दिखाने आ गई हूँ। बस अभी गले में मेरे बेसन लगा हुआ है, वो नहाऊँगी तब छूटेगा। बस फेस का धोया है मैंने और आईब्रो देखिए कितनी बढ़ गई है, तब तो अभी बनेगा नहीं है आईब्रो, और लॉकडाउन के बाद ही जो भी होगा आईब्रो वगैरह जो भी बनेगा वो देखा जाएगा। और अब मैं नहा ली हूँ, देखिए मैं नहा कर आ गई हूँ और यहाँ पर बाल झाड़ रही हूँ। टावल बहुत गीला था मेरा, तो मैं टावल पतला वाला टावल नहीं है तो मैं चुन्नी को ही, कॉटन की चुन्नी है ना, तो इसी से लपेट कर अपने बालों को झाड़ लेती हूँ। इससे झटकने से ना बाल बिल्कुल सुलझ जाता है, फिर कंघी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, नहीं तो मेरे को बाल सुलझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखिए कितने आराम से कंघी हो रही है ना। तो वो होता है कि अगर तौलिया वगैरह से अच्छे से झाड़ लीजिए ना अपने बाल को तो फिर कंघी करने में दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल आराम से कंघी हो जाती है। बस हल्का सा नीचे के साइड से थोड़ा फंसता है बाल। और उसके बाद देखिए जब हमारे गीले बाल होते हैं और जब क्लेचर वगैरह नहीं है आपके पास, तो पीछे से हम थोड़े थोड़े से पतले से बाल लेकर, जैसे साउथ इंडियन लोग भी ऐसे, साउथ इंडियन लोग का तो हेयर स्टाइल ही होता है, वो चोटी बनाते तो ऐसे करके ही चोटी बनाते, तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। तो मैं क्लेचर नहीं भी लगाऊंगी तो मेरे बाल सारे मुँह पर नहीं आएंगे, सारे बाल पीछे ही रहेंगे और बाल भी सूख जाएगा। तो ऐसे ही करके मैं आ गई हूँ उधर, थोड़ा सा लगा रही हूँ अपने फेस पे बेटनोवेटन। मैं बेटनोवेटन ही लगाती हूँ और तो कोई क्रीम नहीं है अभी मेरे पास, तो मैं कोई और क्रीम नहीं लगा रही हूँ, तो बेटनोवेटन और थोड़ा सा ये पाउडर है। थोड़ा चिपचिपा सा हो जाता है ना, थोड़ा गर्मी का टाइम हो गया तो पसीने की वजह से, तो इसको थोड़ा सा सुखाने के लिए यहाँ पर हल्का सा नाइसिल का पाउडर था वही अपने फेस पे लगा रही हूँ मैं। और कोई ज़्यादा कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ और ना मुझे इतना पता है प्रोडक्ट के बारे में, तो जो जो यूज़ करती हूँ वो सब आपको लोग से धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिंदूर, ये बिल्कुल सूखा सिंदूर है जो कि हम लोग लगाते हैं रेड कलर का, और ये रेड कलर की बिंदी तो मैं लगा ली हूँ। और ये लिपस्टिक तो ये लिपस्टिक लगाने के बाद मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी देखिए। और अपने मैं थोड़ी सी उधर बात भी कर रही थी अपने हस्बैंड से। तो फ्रेंड मैं नहा ली हूँ और नहा कर आ गई हूँ, और आज मैंने बाल धोए हैं देखिए। बाल धुलने के बाद और
सूख गया क्योंकि मौसम गर्मी का जैसा हो गया है ना, तो बाल धोई थी तो सूख गया है मेरा बाल, देख सकते हैं आप, कंघी करते करते ही सूख गया। और मेहंदी लगाई थी इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा भी लग रहा है, क्योंकि मेहंदी लगाने से ना बाल अच्छा हो जाता है। तो मेहंदी आज नहीं लगाई थी, दो तीन दिन पहले लगाई थी शायद, हाँ दो तीन दिन पहले लगाई थी मेहंदी। तो आज शैम्पू करी हूँ मैं, और आज मैं पहनी हूँ साड़ी। तो मैं साड़ी और सूट दोनों पहनती हूँ क्योंकि दोनों ही चीज़ में मैं कंफर्टेबल लगता है मुझे। ये नहीं कि मैं साड़ी पहनती तो मैं काम नहीं कर पाती, चाहे कंफर्टेबल लगता है, मुझे दोनों की आदत है और मुझे ज़्यादा साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। तो अब मैं अभी लंच नहीं बनाई हूँ, मैं लंच में सब्जी बना ली हूँ तोरी की, और अभी रोटी बनानी है। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम नहीं पता, हाँ 3:30 हो गए। तो क्योंकि हम ब्रेकफास्ट भी लेट ही किए थे ना आज, तो हाँ लेट किए थे, तो 12 बज गया था ब्रेकफास्ट करने में। तो अब लंच बनाऊंगी रोटी, फिर लंच करेंगे हम लोग। तो मैं लंच के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? देखूंगी अगर वीडियो कंटिन्यू कर पाई तो कर पाई, नहीं तो फिर वीडियो को मेरे को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। बट कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत और शूट कर लूँ, है ना? तो चलिए फिर लंच के बाद आप लोगों से बात करूँगी। तो फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, अब लंच का टाइम हो गया ना। तो उधर देखिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और ये दूध में मैं चीनी डालूंगी, क्योंकि ये बाबू का खाना है, निकाल रही हूँ। हस्बैंड को खाना दे दी हूँ मैं, तो बाबू के लिए निकाल रही हूँ खाना। तो बाबू आज तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, बाबू तोरी की सब्ज़ी नहीं खाता है, तो उसको मैं दूध और रोटी दे रही हूँ। दूध रोटी दूंगी तो दो रोटी इसमें मिक्स कर दी हूँ दूध चीनी के साथ, तो वो खा लेगा। और इधर के उसके बाद मैं इधर बना रही हूँ पंता भात। तो जो बिहार के लोग होंगे, बंगाल के, उड़ीसा के, उनको पता होगा कि पंता भात क्या होता है। तो इसमें रात को चावल में पानी डाल देते हैं जो बच जाता है चावल, और उसमें फिर मैं इसमें दही मिक्स कर रही हूँ मैं, और दही ताजी है, ताजी थी। चाहे तो इसमें आप खट्टी कोई भी चीज़ और मिक्स कर सकते हैं खट्टी करने के लिए, बट चावल मेरा थोड़ा खट्टा हो गया था, तो इसमें और खट्टे होने के लिए कोई चीज़ नहीं यूज डालूँगी मैं। चाहे तो आप आम डाल सकते हैं, आम का अचार डाल सकते हैं। और उसके बाद राई से, लाल मिर्च से और सरसों तेल से तड़का दे दीजिए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पंता भात का, कभी आप बनाकर खाइएगा। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ करेले, तोरी की, करेले की सब्ज़ी मेरी पहले की थी, तोरी की सब्ज़ी और प्याज, इसके साथ मैं खाऊंगी। तो मैं इधर ये इसी का आज लंच करूँगी। तो फिर से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।